हेलो फ्रेंड्स, आज मैं जो आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं वो है इंडेक्स प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल के ऊपर है। ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है जो आपके आने वाले एग्ज़ाम जैसे कि जो CSEB ए का एग्ज़ाम है, SSC जेई का एग्ज़ाम है, उसमें अगर कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है जैसा कि इसमें से पूछा जाता है तो सिंपली आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके ऊपर ये वीडियो है, एक छोटी सी जानकारी है जो आपको पसंद आएगी। तो ठीक है, जानने के लिए आप वीडियो को पूरा आखिर तक देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। उससे पहले जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और यहाँ पर और जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर दिख रहा होगा सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप ऐसे ही वीडियो के लिए। तो चलो ठीक है, आप हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो जो फर्स्ट है वो क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट। कौन से मेथड से? फर्स्ट जो है वो है हमारा ओवन ड्राइव मेथड से। ठीक है, फर्स्ट जो है ओवन ड्राइव मेथड से, ये क्या है, मोस्ट एक्यूरेट मेथड है। ठीक है, देख लीजिए आप, मोस्ट एक्यूरेट मेथड है। ठीक है, याद रखेंगे आप कि ओवन ड्राइव मेथड जो है डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट का मोस्ट एक्यूरेट लेबोरेटरी मेथड। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आपको, ये मोस्ट एक्यूरेट लेबोरेटरी मेथड है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, स्ट्रक्चरल वाटर कांट रिमूव। ठीक है, स्ट्रक्चरल वाटर रिमूव नहीं होता है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, ये फर्स्ट हो गया हमारा। तो आगे बढ़ते हैं, सेकंड जो है, सेकंड है हमारा सैंड बाथ मेथड। ठीक है, सैंड बाथ। ठीक है, ये क्या है, क्विक फील्ड मेथड। ठीक है, ध्यान रखना, ये जो है क्विक फील्ड मेथड है। और इसमें क्या, देखो ये, इसको भी ध्यान रखना आपको, एरर मैक्सिमम, इस मेथड में सबसे ज़्यादा एरर होता है। ठीक है, लेकिन ये क्या है, साथ में क्विक फील्ड मेथड भी है। ठीक है, बहुत जल्दी वर्क हो जाता है, लगभग ये बहुत कम टाइम लगता है इसमें। ठीक है, नो कंट्रोल ओवर टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर पर कंट्रोल नहीं होता है इसमें, और इस पर जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है, लगभग इनकरेक्ट होता है। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली करेक्ट होता है बट नॉट ट्रूली। ओके, आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, अगला मेथड क्या है, अल्कोहल मेथड। ठीक है, एल्कोहल मेथड क्या है, क्विक फील्ड मेथड। ठीक है, आप गलती मत करिएगा यहाँ पर, देखिए ये भी क्विक फील्ड मेथड है। ठीक है, ये भी क्विक फील्ड मेथड है, लेकिन इसमें क्या है, इस पर जो था, क्या था ये, इस पर एरर मैक्सिमम था इस पर। ठीक है, लेकिन इस पर क्या है, इस पर वैसा कुछ नहीं है, ये क्विक फील्ड मेथड है, एल्कोहल मेथड। ठीक है, इसमें क्या यूज़ करते हैं, यूज़ करने टाइम इसको मेथाइल स्पिरिट यूज़ करते हैं इस मेथड को कम्प्लीट करने के लिए। ठीक है, इस पर भी क्या होता है, नो कंट्रोल ओवर टेम्परेचर। ध्यान रखेंगे कि दोनों में कंट्रोल, टेम्परेचर पे हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कैल्शियम कार्बाइड मेथड, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड मेथड। ठीक है, देख लीजिए आप, ये जो है इसको स्टार्ट कर लीजिए। ठीक है, मोस्ट क्विकेस्ट मेथड होता है जो हम यूज़ करते हैं। ठीक है, ये लगभग मान लीजिए आप 5 से 7 सेकंड में ये हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप, फास्ट काम करता है ये मेथड। नेक्स्ट देखते हैं, रेडिएशन मेथड। ठीक है, इट इज़ आल्सो अ फील्ड मेथड। ठीक है, और इसमें क्या करते हैं, ये देखो, उसमें रेडियो एक्टिव मटेरियल यूज़ करते हैं, कोबाल्ट 60, इट इज़ अ रेडियो एक्टिव मटेरियल। ठीक है, जनरली इसको यूज़ नहीं करते हैं हम इस मेथड को, फिर भी एक मेथड है ये भी। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, टॉर्सन बैलेंस मेथड। ठीक है, टॉर्सन बैलेंस मेथड, इसको हम और क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंफ्रारेड मेथड। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसका, दो नाम से जानते हैं इसको। ठीक है, इंफ्रारेड मेथड एंड टॉर्सनल बैलेंस मेथड। ठीक, दोनों नाम से जान सकते हैं। हो सकता है क्वेश्चन में कुछ भी कि विच मेथड इज़ यूज्ड इन वाटर कंटेंट। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे ये मेथड का नाम। नेक्स्ट देखते हैं, पिक्नोमीटर मेथड। ठीक है, कॉमन मेथड है पिक्नोमीटर, सभी ने कॉलेज में अपने प्रैक्टिकल किया होगा। सूटेबल फॉर कोहेसिव सॉइल। ठीक है, पूछ सकता है क्वेश्चन विच टाइप सॉइल। ठीक है, तो उसमें आप बता सकते हैं आपकी, पिग्नोमीटर यूज फॉर कोहेसिव सॉइल, दो स्पेसिफिक ग्रेविटी इज नोन। ठीक है, जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी हमको पता होगा उसमें ही हम यूज़ कर सकते हैं। जनरली आप उसका फॉर्मूला भी आपको पता होगा, कुछ ऐसा रहता है कि W2 - W1 / W3 - W4, ऐसा कुछ आपको ध्यान होगा। ठीक है, फिर यहाँ पर होता है G-1/G। ठीक है, फिर -1 होता है। ठीक है, और टोटल इंटू 100 कर देते हैं।
ठीक है, तो मैं आपको फॉर्मूला नहीं बता रहा हूँ, बस आपको रिवाइज़ करा रहा हूँ, ठीक है। तो अब ध्यान रखेंगे कि ये सभी मेथड आपको पता होने चाहिए, ठीक है, कि कौन कौन से, अगर पूछता है कि विच मेथड यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग वाटर कंटेंट, तो आपको पता होना चाहिए कि ओवन ड्रॉइंग मेथड, सैंड बाथ मेथड, ठीक है, अल्कोहल मेथड, कैल्शियम कार्बाइड मेथड, रेडिएशन मेथड, टॉर्सनल बैलेंस मेथड, इग्नोमीटर मेथड, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो आपकी ये CSEB एग्ज़ाम में थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो आप अच्छे से एक बार देख लेंगे दो बार वीडियो को, तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। और वीडियो को अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, ठीक है। और इसके बाद मैं इसका एक सेकेंड पार्ट भी लाऊंगा, जिसमें हम यूनिट वेट ऑफ सॉइल के जो मेथड है उसको हम देखेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए ठीक है, धन्यवाद।